बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के वीकली वेबिनार में आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम आरिफ अहमद है और मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मार्केटिंग टीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का हमारा जो वेबिनार है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में है, और इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे हमारे टीम मेंबर साद अहमद, जो कि मैनेजर रिस्क और मार्केट सर्वेलेंस हैं पीमैक्स की टीम में। इससे पहले कि मैं साथ को हैंडओवर करूं और वो अपना वेबिनार स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट एफर्ट है इन्वेस्टर अवेयरनेस ट्रेडिंग और इसके हवाले से हर वीक कर रहे होते हैं। ये शाम 4 बजे से 5 बजे तक होता है, और रमजान मुबारक में ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक हो रहा है। ये हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट है इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ अपनी अपनी टॉक करेंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, और आखिर में हम एक Q&A करेंगे और आपके सवाल लेंगे। ओवर टू यू साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साद अहमद हियर। एज यू नो, आई एम करंटली मैनेजिंग रिस्क एंड मार्केट सर्वेलेंस डिपार्टमेंट एट पीएमएक्स राइट नाउ, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट द पीएमएक्स ट्रेडिंग सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर द प्रेजेंटेशन, सो वी विल डिस्कस। Let me share. Wait. Okay. आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन आपके पास आ रही है? तो आज का प्रेजेंटेशन का आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन होगा, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पीएमएक्स का, कि उसकी गवर्नेंस किस तरीके से होती है और इसके कोर फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस तरीके की मार्केट क्लासिफिकेशन है और किन कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं जिसमें ट्रेडिंग अवेलेबल है पीएमएक्स के कस्टमर्स और क्लाइंट्स को, और जो मेन थीम है आज की वो है बेसिकली जिसका मैं आपको डेमो भी दूंगा, पीएमएक्स का ट्रेडिंग सिस्टम जिसके अंदर बैक ऑफिस और ट्रेडिंग टर्मिनल फ्रंट एंड MT5 है। तो बेसिकली पीएमएक्स जो है एक डीमोनेटाइज्ड एक्सचेंज है और जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर, जिसकी मैनेजमेंट अपॉइंट 2003 के अंदर, देन फिर ट्रेडिंग का जो स्टार्ट हुआ बकायदा वो 2007 से हुआ। और पीएमएक्स जो है वो एक क्लियरिंग हाउस यानी कि एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है। एक क्लाइंट के बायर के लिए सेलर है और सेलर के लिए बायर है, तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है और इंटरनेशनल मार्केट के साथ बिल्कुल अलाइंड है। 22 पॉइंट करेंटली जो है वो 22.5 आवर्स की जो है मार्केट ऑपरेशंस है और लेवल प्लेइंग फील्ड है। हर कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंसी है, कस्टमर अपनी ट्रेड्स को और अपनी रिपोर्ट्स को जो है वो इजीली देख सकता है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और उस वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है उसके लिए तीन डिफरेंट एंटिटीज जो है वो मिलके काम कर रही होती है, जिसमें नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है और CDC है। तो इसी तरीके से ये तीनों फंक्शन जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर खुद ही जो है वो पीएमएक्स मैनेज कर रहा है, सारे तीनों फंक्शन कंबाइंड है पीएमएक्स का। अच्छा, कोर फंक्शन जो है पीएमएक्स के, सबसे पहले मेंबरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी नई मेंबरशिप आनी है तो उसको मेंबरशिप डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है, कोई मेंबरशिप के ट्रांसफर और रिन्यूअल्स होते हैं या फिर ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन है जो कि SEC के साथ हो रही होती है, के पास हो रही होती है, कंप्लायंस और रेगुलेटरी अफेयर्स हैं,
जिसके अंदर सर्वेलेंस ऑफ मॉनिटरिंग चल रही है, डिसिप्लिन की इन्फोर्समेंट है, जैसे कि एसईसीबी हमारा रेगुलेटर है तो उसकी जो रिपोर्टिंग है, और लीगल ऑडिट्स और वगैरह डिस्कस हो रहे होते हैं। ओके, देन ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जो कि मार्केट ऑपरेशंस को मेक श्योर कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तवील टाइम है मार्केट का, तो जिसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट करने हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का फंक्शन है, कस्टमर्स के या ब्रोकर्स के अकाउंट सेपरेटली मैनेज करने हैं, कस्टोडियन और डिलीवरी सर्विसेज हैं। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो है वो रिस्क डिपार्टमेंट है, जो कि क्लाइंट्स की रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता है, सेटलमेंट प्राइसेस को मार्क टू मार्केट डिटरमाइन कर रहा होता है, फ्यूचर्स मार्केट है तो मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, तो क्लाइंट्स के लिए किस कमोडिटी वाइज क्या मार्जिन होगा वो कैलकुलेशन उसकी हो रही होती है, एक्सपोजर्स हो डिफाइन हो रहे होते हैं। इसी तरीके से रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस को भी देखा जा रहा होता है यहाँ पर। आईटी सिस्टम जो है वो पीएमएस का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अपना आईटी डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होता है, इसकी कनेक्टिविटी जो है पीएमएस का टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्लाउड पर होस्टेड है, और डेटाबेस जो मैनेज कर रहा है वो सब आईटी सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो सब आईटी के पास मैनेज हो रहा है। अच्छा जी, जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट क्लासिफिकेशन जो है पीएमएस में दो टाइप की है, कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है और फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास जो मेजर ट्रेड हो रहे हैं वो गैस, नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है, क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, आई कॉटन का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, करेंसी के डिफरेंट पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एंड अदर इंडेसेज हैं, आपके पास यूएस के इंडेसेज हैं, जापान का जेपीवाई इक्विटी है, नेस्डेक है, डाउन जोन्स है, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, पैलियम है। इसी तरीके से फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पाकिस्तान के कस्टमर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिजिकल गोल्ड जो है वो यहाँ से प्योर गोल्ड जो है वो बाय कर सकती है और इसकी डिलीवरी भी डिमांड कर सकती है। अच्छा जी, किस तरीके से कोई क्लाइंट आता है तो वो पीएमएक्स में ट्रेड करेगा? दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एक ब्रोकर है जो कि मेंबरशिप ले ले, फिर अपना क्लाइंट बेस बनाए, उसके थ्रू ट्रेडिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट करे, या कोई इंडिविजुअल कस्टमर है जो कि अपना ट्रेड करना चाहता है और अर्न करना चाहता है अच्छा प्रॉफिट, तो वो किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट रजिस्टर करवा कर फिर उस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा होता है। तो क्या तरीके का आ रहा है, अकाउंट क्रिएशन किस तरीके से हो रही होती है? दोनों तरीकों से अभी फिलहाल अकाउंट ओपनिंग चल रही है, फॉर्म बेस्ड भी है जो कि अपना कस्टमर जो है एक अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करता है, फिल करता है, ब्रोकर के पास सबमिट कराता है, फिर वो ब्रोकर जो है वो पीएमएस सिस्टम पे एंट्री करता है, फिर केवाईसी होती है जो कि एनसीसीएल के थ्रू हो रही होती है, फिर उस प्रोसेस से होता हुआ क्लाइंट का एक लॉगिन जनरेट हो जाता है जिसके थ्रू उसको पीएमएक्स पे एक्सेस मिल जाता है, अपना क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसी तरीके से इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए पीएमएक्स ने अपना सिस्टम आगे मजीद ग्रो किया है और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग को भी लेके चल रहे हैं जिसके थ्रू इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो सकती है। क्लाइंट है किस तरीके से ट्रेड करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है वो ट्रेडिंग अपना पीएमएक्स के अंदर? ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुल जाएगा, अपना फंड डिपॉजिट डायरेक्टली जो है वो पीएमएस के पास फंड्स डिपॉजिट होंगे, फंड्स डिपॉजिट हो गए, आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल हो गई है, मार्केट आपके पास लिस्टेड है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसी से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और फंड जो डिपॉजिट है या फिर जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट है वो बैक ऑफिस के थ्रू प्रोसेस होती है, उनके अप्रूवल्स होते हैं मार्क टू मार्केट पे एंड ऑफ डे पे, फिर देन आपको आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट पे वो जो है विड्रॉल प्रोसेस हो जाती है। अच्छा जी, सबसे फ्यूचर मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, लेवरेज मार्केट है, तो क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट के पिलर जो है पीएमएक्स ने स्टैब्लिश किए हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं सेग्रीगेशन को, इसका बेसिक पर्पज क्या है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन है बेसिकली, ये क्लाइंट्स के अकाउंट सेग्रीगेटेड डील कर रहा है क्लियरिंग हाउस, प्री ट्रेड वेरिफिकेशन है, आपने कोई भी अपना ट्रेड ओपन कर रही है तो आपके पास सबसे पहले उसके लिए लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं, विदाउट बैलेंस आप ट्रेड नहीं कर सकते। मार्क टू मार्केट, डेली मार्क टू मार्केट होता है जिसके अंदर आपके जो अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉसेज हैं आपके, या फिर जो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉसेज आपके अकाउंट के अंदर डेबिट या बैलेंसेज डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं बैलेंस। इनिशियल मार्जिन क्या चीज होती है? बेसिकली इनिशियल मार्जिन वो एक पोर्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके
उस जिस पोर्शन के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 2000 और उसका जो मार्जिन है वो फॉर एग्जांपल 25% सेट हुआ हुआ है, तो उस 2000 की वैल्यू को आप 25% पे ट्रेड कर सकते हैं, और ये जो इनिशियल मार्जिन की जो मेथडोलॉजी है वो वैल्यू एट रिस्क के मॉडल के ऊपर है, जिसके अंदर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू मार्जिन कैलकुलेट हो रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एक्सचेंज के पास ऑटो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू क्या होता है डेबिट बैलेंस के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, एक्सचेंज के ऊपर डेबिट बैलेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्लाइंट के लिए भी प्रोटेक्शन है कि आपके जो एक्सट्रीम लॉसेज हैं उसको रिड्यूस करता है बेसिकली ये ऑटो लिक्विडेशन। इसी तरीके से क्लियरिंग डिपॉजिट है, पोजिशन लिमिट का कॉन्सेप्ट है, प्राइस लिमिट, ये वो सब इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि एक फ्यूचर एक्सचेंज को अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करने चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज पीएमएक्स आपको प्रोवाइड करता है, क्लाइंट ने खुद से कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएमएक्स खुद क्लाइंट की रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। तो सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स है, जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया, ऑल अकाउंट्स आर सेग्रीगेटेड एट क्लियरिंग हाउस लेवल, यानी कि ब्रोकर्स के अकाउंट्स अलग डील हो रहे हैं, क्लाइंट के अकाउंट अलग डील हो रहे हैं, क्लाइंट अपना अकाउंट सेपरेटली देख सकता है, बैक ऑफिस के अंदर लॉग इन करके अपने फंड्स को मॉनिटर कर सकता है, अपनी ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकता है, और जो जो भी रिस्क है जो भी मनी है क्लाइंट की वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। ऑल ट्रेडिंग अकाउंट्स मस्ट एक्सप्लिसिटली फुलफिल मार्जिन रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर अकाउंट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के मार्जिन रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स को मेक श्योर किया गया है। प्री ट्रेड मार्जिनिंग है, इनिशियल मार्जिन है जो कि ट्रेड को ओपन करने के लिए आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, मैंने बताया वैल्यू एट रिस्क है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है जो कि इंश्योर करता है पोटेंशियल लॉसेस को, और इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है अभी जो मैंने डिस्कस किया 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 डेज वन डे ऐसा होगा जिसमें कि चांसेस हैं वो भी कि आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो मार्केट के मूवमेंट से ज्यादा हो सकता है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है जो कि प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है एक्सचेंज ने। प्री एंड पोस्ट ट्रेड वेरिफिकेशन है, पोजिशन लिमिट्स है, प्राइस लिमिट्स हैं, वर्स्ट केस मार्जिन हैं, मैक्सिमम ऑर्डर साइज है, तो जिसके थ्रू कंसंट्रेशन का रिस्क भी मैनेज हो रहा है, और आउट ऑफ द मार्केट प्राइसेस मैनिपुलेशन का रिस्क भी प्राइस लिमिट्स के थ्रू कवर हो जाता है। ऑटो लिक्विडेशन क्या चीज है बेसिकली, इसको थोड़ा सा फर्दर डीपली डिस्कस कर ले रहे हैं। ऑटो लिक्विडेशन एक बेसिकली एक एक्सचेंज का मिनिमम डिफाइंड थ्रेशोल्ड है कि जिसके ऊपर एक क्लाइंट की पोजिशन ऑटो पे सेटल्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोजिशन क्रिएट की है गोल्ड बनाउंस के अंदर, जिसका मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ पीकेआर वो 10,000 रुपीज है, और अगर आपकी मार्केट मूव कर जाती है और ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो 5,000 तक मूव कर देती है, जब आपके अकाउंट में जो लिक्विडिटी है वो 5,000 तक पहुंच जाएगी तो आपकी पोजिशन ऑटो क्लोज हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपको फर्दर लॉस बचाता है ऑटो लिक्विडेशन का जो टूल है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं इसका आपको डेमो भी देता हूँ। पीएमएक्स का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, बैक ऑफिस है और ट्रेडिंग टर्मिनल है MT5। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल मैं आपको अपना फ्रंट एंड जो है वो दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों के सामने विजिबल हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से वील भी बात आगे हाँ बात हमारे
हम फिक्स आई थिंक साद इज दिस जस्ट फॉर द कंटिन्यू तो प्लेटफॉर्म है जिसके क्लाइंट है जो फ्रंट एंड है फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे डिटेल देनी है प्रोडक्ट का इतना तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आइडिया हो रहा है कि जो मार्जिन करेंसी है वो भी पीकेआर में है क्वांट क्या है एक वैल्यू क्या है इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट और क्या है इसके जो है पोजीशन लिमिट क्या इम्प्लीमेंटेड है मैक्सिमम ऑर्डर साइज क्या है जिसके हमने प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या है सब डिटेल्स है इस स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाती है क्योंकि कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी कब है उसका इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है उसका पीएनएल किस तरीके से कैलकुलेट होगा तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए और रियल टाइम इसमें आपको विजिबिलिटी मिलती है मैं आपको इसमें से ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और इसका MT5 का एक अच्छा फीचर भी है कि वन क्लिक ट्रेडिंग के थ्रू आप अपना ट्रेड कर सकते हैं आपको बार बार सिंबल चेंज करने की टू एंड फ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वन क्लिक ट्रेडिंग का फीचर इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास सारे सिंबल्स यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर मैं वन क्लिक के थ्रू बाय और सेल कर रहा हूँ तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इंस्टेंट हो रही होगी क्योंकि फ्यूचर मार्केट है हाईली वोलेटाइल मार्केट है तो आप स्कैल्पिंग करके एक ऐसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 200 के अंदर अगर ट्रेड करता हूँ तो ये मैं सिंगल क्लिक पे ट्रेड अपनी रिकूप कर सकता हूँ ये मैंने बाय किया ये मैंने सेल किया मेरी ट्रेड क्लोज हो गई है अब इसके ऊपर मैंने बाय करके मैं अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अपना इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इसी ऑर्डर के ऊपर ही तो सिंपल डबल क्लिक कर किया और इसमें टेक प्रॉफिट की एंट्री मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे अपना मार्केट में टेक प्रॉफिट का ऑर्डर कहाँ सेट करना है तो उस तरीके से ये टेक प्रॉफिट आ गया जब मार्केट इस प्राइस पर पहुंचेगी तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा मुझे ऑल द टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है तो ये वो चीजें हैं जो कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ऑल द टाइम स्क्रीन के पास बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट तो काफी क्विकली मूव कर ही रही है इसी तरीके से मैं इसमें स्टॉप लॉस भी अपना सेट कर सकता हूँ ये मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया है मार्केट मुझे लॉसेस से रिड्यू जब मार्केट इस प्राइस से पहुंच जाएगी तो मेरे लॉसेस यहाँ पे बुक हो जाएंगे और जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो मेरे प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएंगे तो एक अच्छा इसमें व्यू मिलता है रियल टाइम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन आपको दिख रही है कि अगर अभी मैं अपनी पोजिशन पुट करता हूँ तो मेरी होगी इस तरीके से मैं अपनी यहीं से देख सकता हूँ हिस्ट्री का बॉक्स है इसके अंदर हिस्ट्री में जाएंगे आपको करंट अपनी डीजल शॉर्ट मिल जाएगी इसके अंदर एक्सपोजर मॉनिटर कर हो चुका है और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर है वो न्यूज का भी फीचर है कि क्योंकि जो फ्यूचर्स मार्केट है वो बेसिकली चली न्यूज बेस्ड रही होती है तो आपको बार बार अपने प्लेटफॉर्म्स को या अपनी वेबसाइट को स्विच करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली जो है वो यहीं पे न्यूज की बेसिस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और इसी तरीके से इकोनॉमिक आप व्यू देखना चाहते हैं तो कैलेंडर अवेलेबल है यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर से किस मार्केट में कहाँ पे क्या आज इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है जिसका तो ये ऑल इन वन सेटअप है सारा जिसके थ्रू आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं तो ये एक मित्र से एक डेमो था जिसको मैं बताना चाहता कि कस्टमर के लिए कितना इजी है अपना ट्रेड करना है इस सिस्टम के थ्रू तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ओवर टू यू विशाल थैंक यू साद। हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन हमारे पास है साद जो कि पूछ रहे हैं यासिर अमीन साहब कि इफ आई लूज टू मच मनी इन ट्रेडिंग सपोज आई बाय 100 बैरल ऑयल फ्रॉम मार्जिन बट प्राइस डाउन एंड प्राइस रीच इज -5 लाख देन व्हाट हैपेंस टू माय अकाउंट हाउ मच टाइम आई कैन होल्ड इट। अच्छा मैंने अच्छा अभी मैंने अपने अभी अपने सेशन में सेशन में डिस्कशन जो किया बोला था था ऑटो ऑटो लिक्विडेशन के लिक्विडेशन के बारे में। बारे में हाँ
एक्सचेंज के एक्सचेंज के पास पास ऑटो लिक्विडेशन का फीचर अवेलेबल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके लॉसेज हो रहे हैं और आप नहीं उसको देख रहे हैं, तो एक्सचेंज के पास मिनिमम 50% ऑटो लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड सेट है। ब्रोकर उसके ऊपर भी ओवर एंड अबव सेट कर सकते हैं, तो उससे आपका जो अकाउंट है वो डेबिट में नहीं जाएगा, आपके लॉसेज होंगे लेकिन आपका अकाउंट डेबिट में नहीं जाएगा। मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि आपने जो बातें बताई ये और इसके अलावा ट्रेडिंग का जो तरीक़ेकार है वो क्या कहीं और भी अवेलेबल है, कहीं मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ये बताइए। फ्यूचर्स फ्यूचर्स मार्केट मार्केट है वो आपको सिर्फ सिर्फ पीएमएक्स ही पीएमएक्स प्रोवाइड प्रोवाइड करता है करता है पाकिस्तान के पाकिस्तान लिए, में, लोकल लोकल के एक्सपोजर लिए मार्केट का मार्केट का एक्सपोजर एक्सपोजर मिलता मिलता है है आपको, आपको स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज में में लोकल लोकल इक्विटी मार्केट का एक्सेस मिल मार्केट जाता है, लेकिन जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है है वो लीगली जो लीगली जो आपको आपको ट्रेड होने के लिए ट्रेड मिलेंगे वो सिर्फ पीएमएक्स के थ्रू ही होने मिलेंगे। मेरे मेरे पास पास क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये है है कि कि पीमैक्स पीमैक्स पे पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग या या फ्यूचर्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग से से रिलेटेड रिलेटेड कोई कोई इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो जो है है वो वो कहीं कहीं अवेलेबल अवेलेबल है है ऑनलाइन? ऑनलाइन? मैंने मैंने अपने अपने सर्कल सर्कल में में ही ही डिस्कस डिस्कस किया किया अपने अपने आप आप पीमैक्स पीमैक्स की की जो जो वेबसाइट वेबसाइट है है उसके उसके ऊपर ऊपर ट्रेडिंग ट्रेडिंग गाइड गाइड अवेलेबल अवेलेबल है है जिसके जिसके अंदर अंदर ईच ईच एंड एंड एवरीथिंग एवरीथिंग इन इन डिटेल डिटेल डिस्कस डिस्कस हुआ 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 है, है, किस किस तरीके तरीके से से अपने अपने अपना अपना अकाउंट अकाउंट ओपन ओपन करना करना है, है, किस किस तरीके तरीके से से अपना अपना रिस्क रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट करनी करनी है है और और किस किस तरीके तरीके से से ट्रेडिंग ट्रेडिंग करनी करनी है, है, वो वो सब सब चीज़ें चीज़ें उसके उसके अंदर अंदर डिस्कस डिस्कस इन इन डिटेल। डिटेल। ठीक ठीक है है जी, जी, एक एक और और क्वेश्चन क्वेश्चन आ आ रहा रहा है है हमारे हमारे पास पास कि कि क्या क्या फ्यूचर्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑन ऑन पीमैक्स पीमैक्स शरिया शरिया कंप्लाइंट कंप्लाइंट है है या या नहीं नहीं है, है, इस इस पे पे कुछ कुछ बता बता सकते सकते हैं? हैं? डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप जिसके थ्रू डिलीवरी डिमांड कर सकते हैं। तो अगर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करनी है तो आपने टोला गोल्ड के ऊपर ट्रेड करके अपना कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी डिमांड कर सकते हैं। क्या हम आपको और क्वेश्चन कर सकते हैं और हम डेरिवेटिव मार्केट का मार्केट एक का एक फीचर फीचर पीमैक्स पीमैक्स में में आपको आपको सिर्फ सिर्फ फ्यूचर्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट लिए ही अवेलेबल अवेलेबल है, है, सो सो आप आप अवेलेबल अवेलेबल है। है। ठीक, सो आप सो आप अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं है है डेरिवेटिव्स मार्केट में। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन अगर पूछना चाहे, वरना फिर हम अपना वेबिनार आज के लिए कंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था, ये बहुत वेग क्वेश्चन है। किसके प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के या किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के? बहुत वेग क्वेश्चन है तो ये दोबारा आपको पूछना पड़ेगा। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी पोस्ट के नीचे, हम आपको जवाब वहां दे सकेंगे। इस वक्त मैं, या तो आप दोबारा पूछिए तो फिर मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो साथ से लेता हूँ। अच्छा जी, पीएमसी मार्केट क्या है? साथ आप बताना चाहेंगे कि पीएमसी मार्केट क्या है? कहाँ कहाँ से से रेफरेंस रेफरेंस कर कर रहे रहे हैं हैं उसको उसको? एप्लीकेट करते तो बहुत मुझे सारे मुझे पीएमसी खुद भी रिकॉल नहीं हो रहा कि इस सवाल का, इस सेशन से क्या से ताल्लुक है। पीएमसी को कहाँ से लिंक करें, थोड़ा सा इसको ठीक है एलाबोरेट जी, करवा ठीक है, दीजिए। देखें जी, देखें जी, हम जो है वो फ्यूचर्स कमोडिटी मार्केट के बारे में साथ ने बात की है और उसी पे ज़्यादातर ये वेबिनार बेस करता है कि हम फ्यूचर्स कमोडिटीज़ के बारे में इस वेबिनार में बताते हैं और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। पीएमसी मार्केट में क्वेश्चन खुद रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ हमारे बिजनेस से और हमारे वेबिनार से।
आज के सेशन के लिए मैं साध को थैंक यू कहूँगा। साध, आपने टाइम निकाला और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब पे अगले 24 आवर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और आपको जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी जो वेबिनार्स हैं ये कंटिन्यू होंगे रमज़ान में एवरी वेंसडे दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक, और रमज़ान के बाद जो रेगुलर टाइमिंग्स हैं एवरी वेंसडे फ्रॉम 4 PM टू 5 PM। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू साथ, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन का थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।